सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के बाइपर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और मेरे तरफ से सभी को राम राम भाई। और कल का कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो आपको मैं ब्लॉग में बताऊंगा, बस ब्लॉग में बने रहें। जिंदगी मेरी शहनाई, हम बजे न रास्तों में जैसे हम शहनाई। तो कल हम लोग कुछ सरप्राइज आपको देने वाले हैं, तो कल आपको पता चल ही जाएगा। ऐसे हम लोग कहीं ट्रिप जा रहे हैं, महादेव के नगरी में जा रहे हैं बोलबम का सफ़र करने। तो अभी तो कल का वेट है, इंतज़ार है, सब चीज़ हो गया है, तैयारी जो जो करना था, कपड़ा हो गया, कपड़ा सिलवा लिए, ब्लॉग में दिखा देंगे भी कहाँ सिलवाएँ। और अभी जाएंगे तो अभी कुछ कुछ सामान लाना है, कुछ कुछ और है जो जो बचा घटा हुआ है वो लाकर रखना है, फिर हम लोग का स्क्वाड निकल जाएगा बाबा के नगरी के पास। तो अब हम लोग जा रहे हैं और कल मिलते हैं। जब हम निकलने से पहले आपको दिखा देंगे कैसे क्या क्या लिए हैं और कैसा लग रहे हैं। तो फिलहाल गाइस आ गए हैं कि बोलबम का कपड़ा बनाने। अभी सब लोग, सब पुराने लोग मिल रहे हैं, क्या कर लिए देखो इधर भाई, सब लोग भाई लोग पुराने लोग मिल रहे हैं। और फिर हम लोग अब निकल पड़ेंगे देवघर के तरफ, पर अभी फिलहाल आए हैं। अभी देखिए ये बोलबम अभी तो नॉर्मल है, अभी यात्रा निकलेगा तो सब में जोश आएगा, क्या बंटी एकदम जमा देना है। बारिश का मौसम है, अभी आए हुए हैं राजेंद्र नगर की तरफ, देख लीजिए गाइस बैकग्राउंड लोकेशन यही है। तो अभी देखिए क्या 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 बनेगा भाई। तो इसका तो ट्रिपल एक्सल साइज हुआ होगा ना मास्टर साहब, ये देखिए बॉडी बिल्डर। स्पेशल साइज होगा भाई, भाई का है वही कर देता यार। वही ना ब्लॉग देखिए बंटी अभी एकदम थी में, अभी फॉर्म में आएंगे। अभी कितना तारीख, 16 तारीख है ना, नॉर्मल है। देखिए मजा आएगा, बस ब्लॉग में बने रहे हैं और कुछ में ट्रिप ब्लॉग होगा। तो हम लोग जाएंगे यहाँ तो उसका पूरा व्यू दिखाएंगे, कैसे कैसे कौन कौन जा रहा है मेरे साथ, और बस ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। और मैंने जो बोला था वो आज कर रहा हूँ, देखो मैं तैयार होकर रेडी होकर ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग का सवारी निकल चुका है और निकलने वाले हैं, बस कुछ देर में गाड़ी आने वाला है तो निकलेंगे। फिर ब्लॉग में बने रहें साथ में, तो वहाँ पे ब्लॉग में मिलते हैं सबके साथ जब आ जाएगा सब कोई तो वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहें। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं बाबा के नगरी के पास, अभी स्टेशन के पास जा रहे हैं। अरे बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और सब बम जा रहे हैं। बंटी भैया से मिलिए, यहाँ मंटू भैया हैं, देखिए बोलबम बोलबम हर हर महादेव। यहाँ मनीष भैया हाय करिए, हाय बोलबम बोलबम। तो अभी स्टेशन के पास मिलते हैं, आगे का सफर देखिए कैसा कटता है। बोलबम का नारा है, एक सहारा है बोलबम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैं बोला था हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास, और थोड़ी देर में हम लोग की गाड़ी आने वाली है। बस यही इंतज़ार है बाबा नगरिया जाने, सब कोई अंदर से बहुत खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा एक भी लग रहा है कि फैमिली से दूर है। मेंबर पिछले साल के स्क्वाड के लीडर व्यवस्था टंच है, ये देखिए पूरा एकदम क्राउड भरा हुआ है, सब महानगरिया के घर पे जाने के लिए, बोलबम जाने के लिए सब इतनी बेताब हैं। अभी हम लोग का स्क्वाड अभी बहुत स्पेशल स्क्वाड में है, हाँ अभी ट्रेन पकड़ने वाले हैं, ये ट्रेन अभी हटेगी और फिर हम लोग की ट्रेन आएगी। तो अभी ब्लॉग में बने रहें,
देखते रहे। देखिए यहाँ क्लाउड देखिए गाइस, फूट फूट के भरा हुआ है। ये है महादेव का सपोर्ट। राजा सिस्टम पूरा हैंग हो गया है यहाँ पे। आई कर लो, सिस्टम पूरा हैंग हो गया, पूरा हैंग हो गया, पूरा क्राउड बढ़ा हुआ है। देखिए कहाँ तक जाता है, पूरा मस्ती मजा करते जाएंगे बाबा के नगरिया में। कुछ देर के लिए एसी में जा सकते हैं। ये देखिए कावड़, ऐसा ऐसा कावड़ हमेशा मिलते रहेगा। कावड़िया भी हैं, आराम कर रहे हैं जगह जगह पे। तो अभी बहुत क्राउड है, ज़्यादा क्राउड है। ये ट्रेन हटेगा तब तो जाके हम लोग का ट्रेन आएगा। सफ़र ऐसे ही कटते रहेगा, आगे भी सफ़र मिलेगा, बहुत लोग ऐड होंगे अभी नए नए मेंबर। अभी ये दोनों बंदे में कंपटीशन होगा स्पेशल। वहाँ बाबा के अजय कल्लू क्या मांगने जा रहे हो? ये क्या बोलता है कल्लू का क्या डिमांड सुना? कल्लू मांगने जा रहा मेरा ही चाहे सुंदर। देखते हैं पीछे जाओ या आगे जाओ, ट्रेन में पूरा पैक है। यहाँ पे बहुत रश है। बस देखिए अब ये ट्रेन निकलने वाली है, अब हम लोग की ट्रेन आएगी। एक जैसे अभी क्राउड सब सोया हुआ है ना, तो सब उठ जाएगा। यहाँ पे अभी खाना के टाइम हो गया हम लोग का, तो क्या बोलना चाहेंगे ये आप? सभी के लिए लिट्टी बना कर निकले हैं घर से। आप बनाए हैं? नहीं, दादी जी बनाई है। भाभी सलावा बम के नहीं लाए भैया, सलावा बम के साला को छोड़ दिया है इसलिए क्योंकि वो गंदा लत हो गया था। क्या चीज का चपत? अब छोड़ो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ठीक है, अभी सब तीर्थ यात्रा पे हम लोग जा रहे हैं। डीजल पी ले की पानी। ले रोशन, अभी ये भी हम लोग का भाग आया है खाने। यहाँ पे हम लोग का देसी खाना चल रहा है, लिट्टी और चोखा है। नहीं नहीं, लिट्टी और अचार। अचार चलिए, देसी लहसुन प्याज बंद है बंद। हाँ देसी, और लिट्टी और अचार। पानी भी है, गंगा जल। अरे गंगा जल किया है। देखिए ये कहाँ कहाँ से आए हैं। और अच्छा, आप हाजीपुर के हैं क्या? नहीं, हम तो पटने के हैं। बस हमारे लग रहा है हाजीपुर से बात कर। हमारे कौन है, कहाँ से आते हैं? तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं सुल्तानगंज के पास। देखिए बोल बम कल्लू बम, हम यहाँ रेडी है बैठ के खाने के लिए। सुबह सुबह कल्लू बम को चाहिए गांजा, मिल नहीं रहा है। बाबा का प्रसाद चाहिए। वाले भैया जी सोए हुए हैं, उनको दिखाइए थोड़ा। ओ बम चलना है पटना। बस में है। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी व्यवस्था हो रहा है, व्यवस्था टाइट है। यहाँ पे देखिए क्राउड कैसा है। तो अभी गाइस फिलहाल अभी दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करके जाएंगे। पहले सही करना पड़ेगा ना, हमने पूजा करेंगे। ये देखिए क्या क्राउड आया हुआ है। इसको कहते हैं बाबा का भक्त, असली भक्त। बहुत देखने को मिलेगा रास्ता भर में। कल्लू भी है हमारे स्पॉट का सबसे प्यारा बच्चा, तो ब्लॉग में बने रहें।
तो अभी फिर से निकल पड़ा है कल रात हम लोग का लाइन स्क्वाड, बहुत कड़ा धूप किए हुए तब भी हम लोग निकल पड़े हैं, क्या करे, जाना जरूरी है, बाहर का बुलावा आया है। तो अभी देखिए कितना जाम है, ये साइड रोड है और तो यात्रा चालू है गाइस। बोलबम बोलबम पहुंच गए हैं बस मंजिल की तरफ, धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी आधा से भी स्टार्ट ही हुआ है, अभी से एकदम पैर ऐसी हो गया सबका। कोई नहीं, बाबा बोला है तो जाएंगे ही, झंडा के साथ अपना तिरंगा लहराते रहना चाहिए। पहुँचेंगे अभी कुछ देर में हम लोग आराम करेंगे, क्योंकि धूप बहुत है, चला नहीं जा रहा है सब, अकेले जाने से कोई फायदा नहीं ना, सबके साथ जाएंगे तब ना। तो अभी फिलहाल अभी निकल रहे हैं, धीरे धीरे सब क्राउड देखिए, एक बार धूप पड़ा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, दस घंटा ए सी हुआ है, हटा है, फरमाश हटा है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया। अभी आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, देखिए सफ़र का मज़ा लीजिए, सिनेमैटिक शॉट भी एक मिलेगा, देखिए बहुत ज़्यादा धूप है, तो थोड़ा कष्ट हो रहा है चलने में, क्या करें, कोई नहीं, यात्रा है तो यात्रा को तो निभाना जरूरी है। अभी देखिए कहाँ तक, अभी बहुत बम सब चले गए हैं आगे हम लोग के स्पॉट के, देखिए आगे बढ़ते हैं, ब्लॉग में बने रहे। फाइनली गाइस आ चुके हैं, बहुत धूप में चलना पड़ा तो बहुत कष्ट हुआ, बहुत अभी लंबा टाना मारे हैं, फिर भी पहुंच गए। कहाँ पहुंचे भाई? 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल दिया। 10 किलोमीटर लगातार चले हैं? लगातार नहीं, तो 5 चले लगातार, 5 से ऊपर है भाई टाने कहीं, अभी पता चला है भाई, गर्मी में बहुत ज़्यादा पता चला है, देखने ही से लग रहा होगा, हालत ख़राब हुआ हुआ, क्या करें। यहाँ पे कुछ खाने के लिए मंगाया, देखिए। और अभी हम लोग का यात्रा, अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 6:30 बज रहा है, और अभी हम लोग का यात्रा अभी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सो गए थे, बहुत गर्मी था, चल नहीं पा रहे थे, इसके लिए क्या करें, इसके लिए रुकना पड़ा, रेस्ट शरीर को देना पड़ा, सोए हैं और नहा धोआ कर रेडी हो गए, अब निकलने के लिए रेडी हैं। तो अब देखिए हम लोग का स्क्वाड बना हुआ है साथ में, तब अब रात भर चलेंगे, तो ब्लॉग में बने रहें यहीं पे, और सबका देखिए, सबका नौटंकी चालू है, बोलबम बोलबम बोलबम, तो ऐसे ही मस्ती करते आपको दिखेंगे सबको, ब्लॉग में बने रहें। अभी बहुत सारा नौटंकी है, अभी बहुत सारा नौटंकी होना बाकी है, तो अभी ब्लॉग में बने रहें, तब देखते रहें। अभी एक बम अभी मिस है, बहुत मज़ा आ रहा है, अब फ्रेश हो गए हैं, तो अब अच्छा अच्छा मतलब लगभग एक बार में 5 किलो 3 किलोमीटर ऐसे टाल लेंगे, बस बाबा के नगरिया में जाना है, तो और क्या, मैं डर है क्या। देखिए लाइट आ गया, ये देखिए कमरिया का टावर मिलेगा देखने को, लाइट से भरा हुआ, बोल बोल बम 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 बोल बम।
महादेव।